मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा के मार्गदर्शन में नोएडा क्षेत्र में प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले सीएनडी मलबे के वैज्ञानिक रीति से निस्तारण के लिए सेक्टर 80 में 300 मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का यह सीएनडी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट 5 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित किया गया है। यहाँ पूरे शहर से उत्सर्जित होने वाला सीएनडी मलबा 14 कलेक्शन पॉइंट्स के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इन 14 कलेक्शन पॉइंट्स पे सीएनडी वेस्ट आप स्वयं भी पहुंचा सकते हैं, अथवा यदि आप बल्क वेस्ट जनरेटर हैं तो एक निर्धारित धनराशि जमा करके और प्राधिकरण की भी सेवाएं ले सकते हैं। यहाँ आने वाला सीएनडी मलबा यहाँ पूरी तरह से ऑटोमेटेड वेट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वाले प्लांट में प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेसिंग के बाद अलग अलग आकार की रोड़ियां, फाइन और कोर्स सैंड, ये इसके प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका उपयोग सड़क के निर्माण में अथवा अलग अलग आकार के पेवर ब्लॉक्स और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने में प्रयोग होते हैं, जिनका उपयोग फुटपाथ आदि बनाने में किया जाता है। सीएनडी प्रोसेसिंग प्लांट पूरी तरह से एनजीटी के मानकों का पालन करता है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए यहाँ 5,000 वृक्षों का भी रोपण किया गया है और किसी भी प्रकार की धूल आदि यहाँ से न उड़े इसके लिए टैंकर से लगातार यहाँ पर छिड़काव भी किया जाता है और छिड़काव में केवल एचटीपी के शोधित जल का प्रयोग किया जाता है। एनजीटी के मानकों का पालन करते हुए यहाँ एक एंटी स्मॉग गन भी इंस्टॉल की गई है। धूल से और सुरक्षा प्रदान की जा सके इसके लिए डस्ट फ्री जोन्स भी बनाए गए हैं। जहाँ भी खुली सतह पे मिट्टी है वहाँ पे कार्पेट ग्रास लगाई गई है। जहाँ कहीं भी सीएनडी मलबा यहाँ डंप किया जाता है, रखा जाता है, उसको ग्रीन नेट से पूरी तरह से ढक दिया जाता है। नोएडा क्षेत्र के सीएनडी वेस्ट के निस्तारण हेतु मेसर्स रैमकी रिक्लेमेशन एंड रिसाइक्लिंग लिमिटेड के साथ नोएडा प्राधिकरण ने अनुबंध गठित किया है। इस अनुबंध की अनुमानित लागत लगभग 81.30 करोड़ रुपए है और इस प्लांट को 15 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंधित किया गया है।